हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट बैटमैन का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट नाइट के हैशटैग के जरिए आप इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैटमैन जो कि कह रहा था मेरे माता पिता और टिम के माता पिता लाइफ में वापस आ चुके हैं जो कि मर चुके थे, कोई उन लोगों को वापस ला रहा है जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम हेट करते हैं। वो क्रिएचर्स लगभग अनस्टॉपेबल है। और तब हम देखते हैं कि वो प्लेन जिसमें टिम ड्रेक और बाकी के लोग बैठे हुए थे वो एक ग्रेवयार्ड में क्रैश हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस ग्रेवयार्ड में ही ब्लैक लैंटर्स ने एक सर्कस खड़ी कर दी थी जहाँ पर डिक और टिम दोनों के माता पिता थे। आगे हम देखते हैं कि डिक और टिम वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो रॉबिन यानी के डैमियन से कहते हैं कि बारबरा और जिम गॉर्डन दोनों को ही एक सेफ जगह पर पहुँचा दो। और वो दोनों ही बढ़ते हैं उस सर्कस की तरफ। और यहाँ पर बैटमैन डेडमैन से कहता है, डेडमैन अगर तुम सुन रहे हो तो ये सही वक्त है किसी को मदद के लिए बुलाने का। और ये सुनते ही डेडमैन समझ जाता है कि किसे बुलाना है और वो पहुँचता है मिस्टर ब्लड के घर पर, जहाँ पर वो एक आदमी को पजेस करके उससे कहता है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें यानी कि बैटमैन और उनके दोस्तों को। लेकिन मिस्टर ब्लड अपना दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जिस पर डेडमैन बाहर से कहता है, मेरा कहना तुमसे नहीं था, तुम्हारे उस दोस्त से था जो कि तुम्हारे अंदर है। और इतना कहते ही डेडमैन उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और वो पुकारने लगता है एट्रिगन को जो कि एक डीमन है, और उसे समन करने के बाद वो बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैटमैन और टीम को, जहाँ पर बैटमैन टीम को समझा रहा था, तुम ये जो देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग जिनकी सोल नहीं है, जिनका हार्ट नहीं है, सब कुछ जा चुका है, ये वो लोग नहीं है जिनसे हम प्यार करते थे, नहीं ये वो लोग है जो हमसे प्यार करते हैं। जिस पर टीम उसे कहता है, ये हम पर अटैक नहीं कर रहे, ये थोड़ा अजीब तो है, तुम्हें लगता है कि ये करना सही होगा? लगता है उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। और टीम अपने पापा को उनके रूम में देख रहा था। और ये देखते ही टीम आगे कहता है, तुम्हें पता है कि हमने कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, ऐसी जो कोई सोच भी नहीं सकता, डेडमैन से लेकर स्पेक्टर तक, फैंटम स्ट्रेंजर से लेकर न्यू गॉड्स तक, और यहाँ तक कि हमने कई डीमन से भी मदद ली है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ हो नहीं सकता? ये उन सबसे परे है, ये उन्हें वापस ले आया जो कि हमारे पहचान के है, हमारे पेरेंट्स, और ये लिस्ट एंडलेस है, ये तुम भी जानते हो। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनमें से कहीं पर पुरुष जिंदा नहीं होगा, या फिर ऐसा क्यों लगता है कि हमारे माता पिता नहीं है? जिस पर बैटमैन टिम को समझाने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी समझने को तैयार नहीं था। यहाँ पर दूसरी तरफ टिम के डैड अंदर बैठे एक चीज से घबरा रहे थे, वही डिक के डैड ऊपर से आते हुए डिक से कहते हैं, रिचर्ड अपने हाथ ऊपर करो, ये उठने का वक्त है। और बैटमैन अपने हाथ बिना कुछ सोचे समझे ऊपर कर देता है, और साथ ही साथ वो सोचता है, मैंने जब वो आवाज़ सुनी जो कि मेरे पिता की थी, वो वही फैमिलियर कमांड लगी जो कि वो मुझे देते थे, और इसी वजह से जाने अनजाने मेरे हाथ अपने आप हवा में उड़ गए, जैसे कि मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ। और बैटमैन अपने माता और पिता के साथ ही वहाँ पर झूलने लगता है। और तब वो कहता है कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो उन्हीं की तरह बात कर रहा था, उन्हीं की तरह हिल रहा था, और सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी आँखें भी उन्हीं की तरह थी जैसे कि मेरे फादर की आँखें थी। और वो साथ ही साथ कहता है, और इन आँखों को मैं जला नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ टिम अपने डैड के कमरे में जाता है, जहाँ पर टिम के डैड उसे कहते हैं, अगर तुम सुन रहे हो टिम, तुम यहाँ नहीं हो, ये फॉल्ट तुम्हारा नहीं है, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम्हारी माँ तुमसे करती थी। और साथ ही साथ वो कहता है कि डिक से कहना कि तुम्हारा ख्याल रखे। और इतना कहते ही एक किक के साथ वो दरवाजा टूट जाता है जिस कमरे में टिम और टिम के डैड थे, और वहीं पर आ जाता है बूमरैंग, और जिसे देखते ही टिम की माँ उसे कहती है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है। और इतना देखते ही वो एक बैट रिंग बूमरैंग की तरफ फेंकता है और अपने पापा को दूसरी तरफ कर देता है, और वो बूमरैंग को पीटते हुए कहता है, तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की। और इतना कहते ही वो अपने नकल्स के साथ उसे पंच करने लगता है, और उस वक्त वो गुस्से से भर चुका था। दूसरी तरफ टिम अभी भी हवा में था, जहाँ पर उसकी माँ उसे कह रही थी, तुम एक स्ट्रांग विल्ड बॉय हो, और उसकी माँ उसे आगे कहती है, और तुम हमें डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो जबकि हम तुम्हारे साथ कीमती पल बिताना चाहते हैं। जिस पर बैटमैन कहता है, मुझे मारने से पहले है ना? जिस पर उसकी माँ उसे जवाब देती है, नहीं, मारेंगे हम नहीं बल्कि वो हमें मारेगा। और तभी
जिस रोप से वो तीनों लटके हुए थे वो रोप टूट जाती है और वो तीनों ही नीचे जमीन पर आकर गिरते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी, ऐसा लगता है कि मास्क का लोथड़ा नीचे आकर गिरा है। और वो आवाज सुनते ही बैटमैन पहचान जाता है कि वो जूको था और वो बिना सोचे समझे ही उसे मारने लगता है। और तब हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन और टिम ड्रेक दोनों ही अपने माँ बाप के हथियारों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और दोनों ही उन दोनों को घायल करके वहाँ पर मार देते हैं। और बाकी बचे ब्लैक लैंटर्न्स वहाँ पर आकर उनसे कहते हैं, तुम्हारा हार्ट अभी मैरिनेट कर रहा है, तुम्हारा इमोशनल लेवल चार्ट को भी पार कर रहा है और तुम्हारा ये रेज कंपैरिजन के बाहर है, कंपैरिजन के परे। और टिम और बैटमैन दोनों के ही माता पिता उनका हार्ट निकालने लगते हैं। तभी वहाँ से आवाज आती है, थोड़ी देर रुको बैट्स, मैं मदद लेकर आ चुका हूँ। और वो आगे कहता है, और मदद के साथ ही पूरा का पूरा हेल मेरे साथ आ चुका है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एट्रिगन आ चुका था जो सभी को जलाने लगता है, लेकिन वो उनको जला ही रहा था कि तभी वहाँ पर डिक कॉन्टेक्ट करता है रॉबिन से। और रॉबिन तब तक वहाँ पर बैट केव में पहुंच चुका था, जहाँ पर बैटमैन उससे कहता है, तुम अगर आर्मरी में हो तो एक बात सुनो, वहाँ पर मिस्टर फ्रिज की गन होगी जो मुझे डिलीवर कर दो। जिस पर वो बताता है, ठीक है मैं उसे लेकर आता हूँ। जिस पर बैटमैन कहता है, नहीं तुम उसे मेरे सिग्नल पर लॉक कर दो और उस विंगर का इस्तेमाल करो जो मैं नाइट में होने के दरमियान इस्तेमाल करता था। और आगे दोनों के ही फायर आर्म के टैंक्स खत्म हो चुके थे, जहाँ पर उन दोनों से एट्रिगन कहता है, मैं पूरी सिमेट्री को अकेले नहीं संभाल सकता, समझ गए। जिस पर बैटमैन वो फायर आर्म फेंकते हुए कहता है, थोड़ी देर रुको, मुझे अभी एक एयरमेल मिलने वाला है और उसके बाद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी उसके हाथ में मिस्टर फ्रिज की गन लग जाती है एक विंगर के जरिए। और वो मिलते ही सबसे पहले वो फ्रीज करता है टिम को और बाद में खुद को। और फ्रीज होने से पहले उसने डेडमैन को बता दिया था कि क्या करना है और डेडमैन भी वैसा ही करता है। जैसे ही वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं, डेडमैन एट्रिगन के शरीर से बाहर निकल जाता है। और वहाँ पर टिम और डिक जो कि अब जम चुके थे उनके सामने ब्लैक लैंटर्न्स आ जाते हैं और उन दोनों को वो ब्लैक लैंटर्न्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब वो ब्लैक लैंटर्न्स वहाँ से चले जाते हैं तब डेडमैन सबसे पहले टिम के शरीर में घुस जाता है और उसे फ्री करता है और बाद में बैटमैन को। और जैसे ही वो आज़ाद होते हैं टिम डेडमैन का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही साथ वो देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक रिंग्स डेड बॉडीज के तलाश में निकल चुकी थी। जिस पर बैटमैन कहता है, हमें अब वही करना है जिसके लिए हमें ट्रेन किया गया था। ये रिंग्स बॉडीज की तलाश में निकली है और हमें उन्हें उन बॉडीज के पास पहुँचने से रोकना होगा। तो देखते हैं कि हम अपना कल बचा पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।